बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोलेकुलर फार्मूला लेक्चर 18 फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मोलेक्यूल। किसी सब्सटेंस का वो फार्मूला जिसकी बेस एक्चुअल मोलेक्यूल है, असल मोलेक्यूल है, उसे कहते हैं मोलेकुलर फार्मूला। द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मोलेक्यूल, सब्सटेंस का वो फार्मूला जिसकी बुनियाद असल मोलेक्यूल है, उसे कहते हैं मोलेक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स टोटल नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलेक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मोलेक्यूलर फार्मूला। वो फार्मूला जो एक कंपाउंड के एक मोलेक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट के तमाम एटम्स को जाहिर करें, उसे कहते हैं मोलेक्यूलर फार्मूला। फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस विच शोज टोटल नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलेक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के एक मोलेक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट के तमाम एटम्स की तादाद जाहिर करने वाला फार्मूला मोलेक्यूलर फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन का मोलेक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसी तरह ग्लूकोज का मोलेक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। तो ये उनका मोलेक्यूलर फार्मूला है। बेंजीन का मोलेक्यूलर फार्मूला ये शो करता है कि बेंजीन के एक मोलेक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम। ग्लूकोज का मोलेक्यूलर फार्मूला ये जाहिर करता है कि ग्लूकोज के एक मोलेक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। ये मोलेक्यूलर फार्मूला किसका है? ग्लूकोज का। जब हम इन फार्मूलों पे जरा गौर करते हैं तो हमें पता चलता है, जरा सा हम पिछले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ चलते हैं, तो ये था मोलेक्यूलर फार्मूला। MF से बराबर मोलेक्यूलर फार्मूला ले रहा हूं मैं यहां पे। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इस तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। फॉर दीज कंपाउंड्स बेंजीन एंड ग्लूकोज मोलेक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। बेंजीन का जो मोलेक्यूलर फार्मूला है वो उसके एम्पिरिकल फार्मूले का मल्टीपल है। क्या किया है? बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला CH उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया C6H6। ग्लूकोज का जो मोलेक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 ये मल्टीपल है ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूले का। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया C6 2 × 6 H12 O6। तो बेंजीन का भी मोलेक्यूलर फार्मूला उसके एम्पिरिकल फार्मूले का मल्टीपल है। वो मल्टीपल क्या है? 6। एक रिलेशनशिप है मोलेक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान। वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है, मोलेक्यूलर फार्मूला इक्वल्स एन क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला। एक शार्ट क्वेश्चन यू भी आया है एग्जाम में, हाउ मोलेक्यूलर फार्मूला इज रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला। मोलेक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले से क्या ताल्लुक रखता है? मोलेक्यूलर फार्मूला इज सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मोलेक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले का सिंपल मल्टीपल है। वो जो सिंपल मल्टीपल है वो n है। तो n की वैल्यू ग्लूकोज के लिए भी क्या है? 6 है। हैं 6 6 ने c के साथ रख पाया तो क्या c6 h के साथ रख पाया गया तो h6 c6 h6। ठीक है। अच्छा ग्लूकोज जो है ग्लूकोज के लिए n क्या है? वो भी 6 है। 6 एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का CH2O, 6 मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो c6
H2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो H12, O के साथ मल्टीप्लाई होगा तो O6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सिंपल मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। यहाँ पे n क्या है, ये इंटीजर है, अ होल नंबर। n असल में रेशियो है मॉलिक्यूलर मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस, ये n है इंटीजर। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज n, इंटीजर होल नंबर। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। सम कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला उस वक्त पॉसिबल है जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यूनिटी होगी। जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसके साथ जरब खाता है वही कुछ बन जाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे मिसाल के तौर पर वाटर, एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सक्रोज, चीनी, C12H22O11। तो इनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनके लिए सिंपल मल्टीपल इंटीजर n की वैल्यू क्या है, वो यूनिटी है, 1 है। यही हमारा आज का टॉपिक था। इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर लेते हैं। डेफिनेशन पहले, फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल। किसी सब्सटेंस का वो फार्मूला जिसकी बुनियाद असल मॉलिक्यूल होती है उसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मिसाल के तौर पर बेंजीन का C6H मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल इज नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला, के वो फार्मूला जिसकी बुनियाद असल मॉलिक्यूल होती है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट के एटम्स की असल तादाद के बारे में बताता है। देखिए, ग्लूकोज और बेंजीन की बात करते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मल्टीपल है, वो अजाफ है किसका, उनके एम्पिरिकल फार्मूले का। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अब रिलेशन मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूले के दरमियान, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला बाय रिलेशन इक्वल्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स n क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला। ये n क्या है, सिंपल इंटीजर है, ये होल नंबर है। इसकी वैल्यू जो है अपना अपना वो डिफरेंट होती है, कंप्लीट डिजिट होती है। तो बेंजीन और ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू जो है वो 6 है। ये आपके सामने बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो C6H6, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। इस तरह ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है ग्लूकोज का, तो जब 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो C6H12O6। कुछ कंपाउंड, अब n जो है, n असल में रेशियो है मॉलिक्यूलर मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास की जो रेशियो है वो n है, सिंपल मल्टीपल है, इंटीजर है। अपना कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे वाटर है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सक्रोज वगैरह हो गया, मीथेन वगैरह हो गया। इनका क्यों एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि इनके लिए जो सिंपल इंटीजर जो है वो क्या है, यूनिटी है, वो 1 है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह जो है वो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 है और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल 5 भी करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।